आई नो कि काफी क्वेश्चंस हैं आप लोग के भी माइंड में, मगर मुझे भी बहुत मन कर रहा है कि मैं विवेक आपसे, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस, आई एम गोना गो एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस, सो आई थिंक इट्स ओके. सो आई थिंक वी टॉकिंग अबाउट रेन्स एंड इट्स फैंटास्टिक एंड ऐप टू हैव यू हियर एंड यू आर द पर्सन विद ग्रैंड मस्ती. मैंने जब भी इवेंट्स किए हैं विवेक के साथ, ही ऑलवेज कम्स अप विद दिस वार्म स्माइल एंड ही इज वेरी वेरी फ्रेंडली एंड ही हैज दिस मस्ती अपील ऑल द टाइम विद हिम. सो लेट मी गो एंड आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज़ील एंड द रेन्स. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपने काफी सारे मॉनसून के ऊपर गाने किए हैं, सो ओके व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी. एक मिनट दोस्तों, एक सेकेंड, लेट मी गो एंड टॉक टू हिम फर्स्ट. व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी ऑफ द मॉनसून, बी इट अगर शूटिंग करते वक्त और योर रियल लाइफ, एनीथिंग दैट यू रिमेम्बर एंड इट हैज स्टेड विद यू फॉरएवर. शूटिंग करते वक्त तो बहुत सारी फिल्मों में रेन सॉन्ग्स किए हैं. ऑन द रूफ इन द रेन किया था मस्ती में, बहुत मजा आया था. रियल लाइफ में भी आई थिंक बारिश हमेशा बहुत रोमांटिक टाइप का मौसम होता है, खासकर मुंबई की बारिश में एक अलग किस्म का रोमांस आ जाता है. कॉलेज में थे तो बारिशों में फ़ायदा उठा के बारिश का काफ़ी रोमांस करते थे. आई थिंक तब झील नहीं था तो इसीलिए रेनकोट पहनने का मज़ा नहीं आता था, क्योंकि वो सारे अंकल जी टाइप, वो क्या कहते हैं, वो डाकिया पोस्टमैन टाइप के, वो जो ब्राउन कलर और ब्लैक कलर के लंबे लंबे रेनकोट होते थे, तो उसमें मज़ा नहीं आता था. तब अगर झील होता तो हम भी हीरो बन जाते, बारिश होती तो हम अपना जैकेट निकाल के लड़की को पहना देते, खुद भीग जाते. बट या आई थिंक मुंबई रेन्स आर वेरी वेरी रोमांटिक. Alright, well, Vivek, I'm going to also ask you. You've done many, many songs. हमारे हिंदी वुड बॉलीवुड में आपने बहुत सारे रोमांटिक गाने किए हैं रेंज के ऊपर, which जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ग्रैंड मस्ती आई हो, वो कौन सा है? आपने कह ही दिया ग्रैंड मस्ती. I think दो चार बहुत अच्छे गाने हैं जिन्हों में किए हैं. साथिया का एक गाना था ए उड़ी उड़ी, भीगते हुए किया था. That was a lovely song. On the roof in the rain किया था. अभी तू भी मूड में हम लोगों ने किया था. तीनों ग्रैंड मस्ती बॉयज ने किया था. ग्रैंड मस्ती में बहुत सारे रेन सॉन्ग्स किए. आई थिंक आई रियली एंजॉयड देम. अपने गाने भी, और जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रही थी मिस्टर इंडिया के श्री जी का जो गाना था कांटे नहीं कटते, वो बहुत खूबसूरत गाना था. माधुरी जी ने एक गाना किया था बारिश में, वो आई लव यू प्यार करू छू, है ना, वो बहुत ज़बरदस्त गाना था. तो आई थिंक रेन सॉन्ग्स इन बॉलीवुड आर सिनोनिमस. Okay, just one more question. अगला रेन सॉन्ग जब भी करूंगा तो झील के जैकेट पहन के करूंगा. अरे वाह, और यहाँ पे किसी ने गाना भी बनाया है आपके लिए. Well, what was that, by the way? झील के ऊपर आपने बहुत अच्छा रोमांटिक गाना बनाया था. Okay, वो बाद में सुनेंगे, पर विवेक किसने बनाया? सर, हमारी फ्रेंड वहाँ पे बैठे, उन्होंने कुछ अच्छा सा गाना बनाया है. आपने बनाया? आइए आइए, एक मिनट आइए आइए. Well, you are the lucky one after all. झील के ऊपर तो नहीं बनाया, लेकिन वही जो झील मिल बरसा पानी. आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. ऑफकोर्स आप पहली बार आए हैं यहाँ पे स्टेज में आज हमारे सामने, तो आप बताइए कि आपने विवेक ओबेरॉय को चूज किया है अपने कंपनी के लिए एंड ही इज वन पर्सन विद सो मच ऑफ मस्ती ऑलवेज, सो आपने व्हाट्स योर एसोसिएशन विद विवेक? एक्चुअली विवेक को चॉइस करने में हमारे यंग डैशिंग डायरेक्टर का खास रोल है, तो बेटर मैं बेटर समझता हूँ, उसका रिप्लाई वही देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ये प्लान में नहीं था. आने से पहले बोल रहे थे मैं बहुत नर्वस हूँ पब्लिक स्पीकिंग के लिए और मैं स्टेज पे बोलूंगा नहीं, लेकिन अभी बोल रहे हैं. देर इज अ वर्सेटिलिटी, मतलब जो वर्सेटिलिटी इन्होंने किया अपने रोल्स में, देन चिल्ड्रन के भी क्रिश में किया, तो वी हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वी डू फॉर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस, तो इट परफेक्टली रिसेंबल्स अवर ब्रांड. That's the reason we hired him as a brand ambassador. Thank you. First class तो बोल देते हो यार, क्या टेंशन ले रहे थे आप? अच्छा, जितने हमारे मीडिया वाले दोस्त आए हैं उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आज, मैं कह दूं? हाँ, कह दीजिए. जितने हमारे मीडिया वाले दोस्त आए हैं आज, क्योंकि हम आपके साथ मिलते रहते हैं और इसका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ झील का, और बारिश आने वाली है तो इसलिए हमारे तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक एक जैकेट फ्रॉम आर साइड एज अ गिफ्ट.
Oh my God, that is a fantastic announcement by Vivek. Wow, मजा आ गया. I think मैंने कहा था कि surprise elements बहुत सारे हैं आज के दिन. Okay, now I think it's now time, friends. Hold on, hold on, hold on. Please be seated. अब वक्त आ गया है जिसका हम सभी को दूसरा surprise का इंतजार था. वो मिल जाएगा आप सभी को. Let's go ahead and unveil the commercial of Zeal. Well, we have our dignitaries and Vivek Oberoi with us. So let's go ahead and unveil the commercial for Zeal. Ladies and gentlemen, एक बार आपकी तालियां सुन ले तो मजा हो जाएगा. Put your hands together. आपकी सीटियां सुनने में मजा आता है. In the meanwhile, let's have the commercial right in front of you, ladies and gentlemen. Okay, we gonna let's move ahead. This is something which is very important. My friends, aap log please meri ye baat zarur suniyega. We have Vivek Oberoi just for a few more seconds. I think we're having the commercial now. Let's have a look at the commercial. Uske baad I'm gonna open the session for the question answer round. Magar strictly, I think it's a very important, please listen to this. You have to stick to your questions with zeal. Agar ek bhi question jo hamare brand ke upar nahi hoga aur aapne Vivek ji se pucha, to we'll have to cut the session then and there. So please, aap log... All right, we're now going to have the commercial with us and we also have... बॉम्बे में वेयर किया या हैदराबाद? बॉम्बे बॉम्बे मुंबई मुंबई उस टाइम पे बॉम्बे था, अभी मुंबई है. विवेक, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका जो स्टाइल होता है वो आपके फैंस ऑब्वियसली फॉलो करते हैं, तो आपका स्टाइल स्टेटमेंट क्या रहेगा इस मॉनसून में? एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रोहित कि आपने जो ये डिज़ाइन किया है तो कौन सा फैब्रिक इसमें इस्तेमाल हुआ है और व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सीजन? आप पहले आंसर करना चाहेंगे? यार, स्टाइल स्टेटमेंट मेरा ये है, मैं कभी भी इस बात में बिलीव नहीं करता हूँ कि स्टाइल के लिए अनकम्फर्टेबल हो जाओ. मतलब बहुत सारी हम सोशल सोसाइटी में लेडीज़ को देखते हैं, 6-6 इंच की हील पहन के आएंगी, ऐसे ऐसे टेंशन में रहेंगी चलते चलते कि अब गिरी अब गिरी अब गिरी. वो मैं बिलीव नहीं करता हूँ उन सब में. आई डोंट बिलीव. इफ़ यू आर कम्फर्टेबल यू शुड बी रिलैक्स्ड, यू शुड बी कम्फर्टेबल, दैट शुड बी योर स्टाइल जिसमें आप अच्छे फील करते हो. तो आई बिलीव कि जील इसीलिए मैं पसंद करता हूँ क्योंकि जेन्यूनली इसके अंदर जो आप देख रहे हैं इनर लाइनिंग, ये पूरी ब्रीदेबल फैब्रिक है. तो इससे बाहर से इट्स ब्लॉक्स द वाटर, बट एट द सेम टाइम अभी आई एम नॉट फीलिंग हॉट, आई एम नॉट फीलिंग कंस्ट्रिक्टेड, आई एम फीलिंग वेरी कम्फर्टेबल एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट. जो हम जील के रेनकोट्स बनाते हैं वो PVC, PU एंड कोटेड फैब्रिक्स और टेक्निकलिटीज हम काफ़ी सारा चेक करते हैं. देर इज़ अ इन हाउस टेस्टिंग दैट हम पहले फैब्रिक जो बनाए उसको चेक कर ले, उसके बाद हम उसका गारमेंट बनाए. वाइट, रेड एंड ब्लैक आर द कलर्स फॉर सीजन, बट फॉर दिस सीजन ब्लू इज द कलर फॉर इनकोट्स. और एक चीज़, अनदर थिंग आई लाइक इज द चिल्ड्रंस वेयर. अगर आपने देखा हो तो उसमें बहुत क्यूट है, बॉयज़ के लिए स्पाइडरमैन के प्रिंट्स वाले बहुत यू नो लवली रेनवेयर हैं. जब आप स्कूल जा रहे हैं यू डोंट हैव टू लुक डल एंड ड्रैब एंड बोरिंग, यू कैन एक्चुअली एन्जॉय एंड दैट फन एलिमेंट ऑफ स्पाइडी ऑन द रेनकोट्स इज देयर. ऑल्सो उसमें जगह खास बनाई गई है कि आपका बस्ता जो है, आजकल बेचारे बच्चों को बहुत बड़े बैग्स, जितना बच्चे का वेट नहीं होता है उससे ज़्यादा स्कूल बैग का वेट होता है, वो बैग को भी अंदर कंफर्टेबली फिट कर दे. तो ऐसा इन्होंने बहुत अच्छा सोचा है. लड़कियों के लिए उन्होंने बाबी के सीरीज बनाई है विथ लवली पिंक्स एंड लवली ब्राइट कलर्स. तो आई रियली लाइक दैट. आई कांट हियर द रेस्ट ऑफ इट. यार, डैड बहुत बिंदास थे
तो और हैं अभी भी, वो तो खुद मेरे साथ निकल के बारिश में भीगा करते थे। हम लोग लोनावला की पहली बारिश में भीगने के लिए एज अ फैमिली ड्राइव करके जाते थे कि अभी बारिश होने वाली है, हम लोग पहली बारिश में जाके भीगे हैं। सो वी शुड रियली एन्जॉय दैट। तो डैड उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन मॉम काफ़ी डांटती थी। उस ज़माने में वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, तो वॉशिंग मशीन कांताबाई टाइप की होती थी, तो वो चिल्लाती रहती थी कि कपड़े इतने गंदे करके आते। मैं फुटबॉल खेलता था और बारिशों में हमारे यहाँ ग्राउंड्स में कीचड़ भर जाता है, जुहू में खासकर, इज लो लाइंग एरिया है। तो यहाँ हमारे कॉलेज के स्कूल के पीछे जो फुटबॉल ग्राउंड थे, सब में इधर इधर तक पानी रहता था। स्टड्स पहनते थे, ऊपर से लेसेस बांधते थे और फुटबॉल खेलने जाते थे, तो पूरा कीचड़ में भीग के आते थे वापस। और फिर बाई बहुत चिल्लाती थी, तो उसकी डांट जो मॉम को पड़ती थी, वो मॉम मुझे डांट सुनाती थी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता था। थैंक यू वेरी मच धोनी। कौन बोल रहा है? सबको मिला, कौन बोल रहा है? नॉन मीडिया को मिला। क्वालिटी चाइना के प्रोडक्ट से इतनी सुपीरियर,
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.